हेलो नमस्कार दोस्तों, टैग चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल फोटोज का उपयोग करते हैं, दोस्तों क्या आपको पता है आपकी गूगल फोटोज के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक फीचर्स हैं। दोस्तों यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। दोस्तों यदि आप इन फीचर्स को अपने गूगल फोटोज के अंदर दोस्तों अप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी अभी 2 दिन चलती है तो दोस्तों मैं 100% सोल्यूशन बताने वाला हूँ, आपकी बैटरी 4 दिन तक लगातार चलने लगेगी। दोस्तों इन गूगल फोटोज में आपको ये सेटिंग कर लेनी है, 4 सेटिंग्स है दोस्तों, जो 4 नंबर की सेटिंग है ना दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। दोस्तों इस सेटिंग को भी देखकर जरूर जाना। दोस्तों उससे पहले एक काम करना, जो चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा उसको काला कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल फोटोज को यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर आप भी कोई अपने गूगल फोटोज के अंदर यहाँ पर कोई भी वीडियो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करते हैं या दोस्तों अपने कैमरे से यहाँ पर सेव करते रहते हैं, दोस्तों क्या होता है, जो आपकी वीडियो होती है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है बैकग्राउंड में दोस्तों प्रोसेसर होकर, वो दोस्तों आपके मोबाइल फोन के डाटा को भी खर्च करती है, आपके मोबाइल फोन की बैटरी को भी खर्च करती है। दोस्तों इस सेटिंग से जो आपके मोबाइल में वीडियो होती है कि आप तक दोस्तों आपने कितनी वीडियो बना रखी है अपनी गूगल फोटोज के अंदर, दोस्तों वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चलती रहती है और दोस्तों आपके मोबाइल फोन के डाटा को भी खर्च करती है, बैटरी को भी खर्च करती है। दोस्तों इस पहले वाली सेटिंग्स के आपको जरूर करनी है। दोस्तों आपको यहां पर आने के बाद दोस्तों जो आपकी ऑटोमेटिक वीडियो यहां पर चलती रहती है वो आपको यहां पर बंद करनी है। आपको दोस्तों प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो सेटिंग, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 सेटिंग 5-6 सेटिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर की सेटिंग में प्रीफ्रेंस सेटिंग देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो ग्रिड प्लेबैक, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर यदि दोस्तों आपके दोनों सेटिंग यहाँ पर ऑन है ना, आपको दोस्तों इन दोनों सेटिंग्स को यहाँ से ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों जो आपकी जितनी भी वीडियो बैकग्राउंड में चल रही थी वो दोस्तों यहाँ पर चलनी बंद हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप अपने की जो मोबाइल फोन की बैटरी है वो 4 गुना ज़्यादा चलने लगेगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको पहले वाली ट्रिक में तो ये वाली ट्रिक अप्लाई कर लेनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2nd नंबर की ट्रिक देखनी है ध्यान से। अब दोस्तों जैसे आपका मोबाइल डाटा है, ठीक है, वो दोस्तों कम यूज होता है। दोस्तों जैसे आप रात में सो गए और दोस्तों आप जब सुबह उठकर देखते हो दोस्तों वहाँ पर आपका जितना भी डाटा होता है वो दोस्तों ख़त्म ही हो जाता है, आपको पता नहीं रहता। आप सोचते हो कि जो मैंने तो डाटा खर्च ही नहीं किया अभी तक और वो खर्च कहाँ पर हो गया, दोस्तों आपको पता नहीं है। जैसे आप गूगल फोटोज़ के अंदर जितने भी फोटो दोस्तों खींचते हैं, रोज 100 फोटो खींचते हैं, 250 फोटो खींचते हैं, वो दोस्तों क्या होता है गूगल फोटोज़ के अंदर वहाँ पर सेव होते रहते हैं, बैकग्राउंड में रनिंग करते रहते हैं। दोस्तों उनको आपको रोकने के लिए आपको अपनी गूगल फोटोज़ के अंदर सेटिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पर बैकअप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल डाटा यूसेज, ठीक है, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यदि दोस्तों आपका अनलिमिटेड पर दोस्तों सेट है ना, फिर दोस्तों आपका जितना भी डाटा होगा वो दोस्तों एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा, जब आपका गूगल फोटो सब डाटा को खर्च कर देगा आपके, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों इसे 10 MB पर सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों गूगल फोटोज आपकी एक दिन के अंदर अंदर सिर्फ 10 MB को ही खर्च कर पाएगा, ठीक है। दोस्तों इससे आप अपने इंटरनेट को भी बचा पाएंगे, अपनी बैटरी को भी बचा पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बैकअप वीडियो ओवर डाटा, आपको दोस्तों इस सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा बैकअप क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पर यदि आपकी ओरिजिनल क्वालिटी पर सेव हो रखी है तो दोस्तों आपको इसे स्टोरेज सेवर पर आकर यहाँ सर इस तरीके से सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरीके दोस्तों आप इन 4 ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको 3rd नंबर की ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है, जैसे आपके गूगल फोटोज के अंदर कोई भी नए अपडेट आते रहते हैं, फीचर्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो दोस्तों आपको पता ही नहीं रहता, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, आपके मोबाइल गूगल फोटोज के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके डाटा को भी खर्च करते हैं, आपकी बैटरी को भी खर्च करते हैं। अब दोस्तों क्या काम करना है, नोटिफिकेशन पर आना है। यदि दोस्तों आपके यहाँ पर इस तरीके से नोटिफिकेशन ऑन है तो दोस्तों इन सभी नोटिफिकेशन को आपको दोस्तों इस तरीके से ऑफ कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो है बैटरी को 4 गुना ज़्यादा चला सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको 4 नंबर की ट्रिक को भी अप्लाई करना है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। दोस्तों आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए। अब दोस्तों जैसे आप अपने एक दिन के अंदर बहुत सारे फोटो खींचते हो, ठीक है, और दोस्तों क्या होता है आपके फोटोज के अंदर लोकेशन
सेव होती रहती है, लोकेशन भी ट्रैक हो जाती रहती है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, यदि आप अपने फोटोज के अंदर लोकेशन को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेसी में आना है और लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल फोटोज़ के अंदर फोटो खींचेंगे दोस्तों, उनके अंदर लोकेशन ऐड नहीं होगी। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा, यदि आप इस लोकेशन को यहाँ से बंद रखेंगे तो दोस्तों आपके फोटोज़ के अंदर जितनी भी ये लोकेशन है वो ऐड नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों इससे आपका इंटरनेट भी बचेगा, बैटरी भी कम खर्च होगी। दोस्तों इस तरीके से आप इन चार ट्रिक्स का अपने गूगल फोटोज के अंदर इस्तेमाल करना और मुझको कमेंट में बताना दोस्तों आपकी बैटरी पहले से ज़्यादा चलने लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। दोस्तों मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चलिए आपका दिन शुभ हो।